तो गाइस गुरुजी भी आ गए हैं। कैसे हो आप सब भाई, होप आप सब बड़े होंगे। मैं कुछ सोच सकता हूँ न्यू रैंडम वीडियो में। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ जहाँ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। आने जाने वाली गाड़ियों को रोक भी रखा है। काफ़ी दूर से बैरिकेड लगा दी और गाड़ियाँ आने जाने के लिए रोक रखी हैं। कल इतनी सफाई भी नहीं थी और आज सफाई भी बहुत है रोडों पे। तो कल यहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी, आज तो सोइयों दुकानें होंगी, सोइयों कह रही हूँ, हजारियों दुकानें होंगी। गाइस स्पॉन्सर ओ तो गाइस अभी अंदर जाएंगे। तो गाइस ये है एंट्री गेट। तो गाइस अंदर भी आ गए हैं, आप जाएंगे पंडाल की तरफ। ये एरिया पंडाल। तो अभी तो धीरे धीरे पब्लिक आ रही है, अभी तो काफ़ी पंडाल खाली है, काफ़ी जगह भी है यहाँ पर। वो ये सब एरिया खाली है और इससे पलंग वाला खाली, बीच बीच में पब्लिक है। तो गाइस कैसे पब्लिक आ रही है। तो गाइस धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी की एंट्री हो गई। देखो जहाँ ये भीड़ लग रही है यहीं से एंट्री हो रही है। स्टेज की तरफ को जा रहे हैं अब। आज से 3 दिन तक हमारे सभी
फिर हमन कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आज की प्रथम दिवस की मंगल में पावन आरती में हम आप सभी विश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री ब्रीत कुमार गुप्ता जी, रोहिरा जी की पूरे परिवार से आग्रह है कि आप सभी पावन आरती में आ जाए। उनके छोटे भाई, उनके बेटे, उनका परिवार, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी पावन आरती में आ जाए। श्री विनय कुमार गोयल जी, बहन गरिमा गोयल जी, श्री नरेश कुमार बंसल जी, श्री ऋषि बंसल जी, बहन प्रति बंसल जी, श्री विनोद अग्रवाल जी, बहन सरोज अग्रवाल जी, श्री चेतन अग्रवाल जी, श्री राजीव जैन जी, बहन सविता अग्रवाल जी एवं मुख्य जवान परिवार और दिल्ली से आए हुए श्री सत्यभूषण जैन जी, श्री आदित्य जी, श्री राम बालक जी धाम न्यू करौली ट्रस्ट के सभी सदस्य से आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। श्री अनिल शर्मा जी, श्री प्रदीप गुप्ता जी, श्री गौरव अग्रवाल जी, श्री विनीत गुप्ता जी, श्री विनोद राय जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री अश्विनी गुप्ता जी, डॉक्टर संदीप राज जी, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री देवेंद्र जी, श्री सैनिक प्रकाश गुप्ता जी, श्री जयदेव यादव जी, श्री अवधेश कुमार गुप्ता जी, श्री विनीत कुमार गुप्ता जी, श्री वैभव जी, श्री विपिन जी, श्री विनय कुमार, आप सभी से आग्रह है कि सभी लोहिया परिवार के जो परिवार हैं आप आ जाए। आई चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वाला बालने नमः रत्ने सूर्य नमः सरोपचारार्थे गंगच्छत्व पाणि समर्प्यामि हरिभ्योग चंद्रमा वनि सोजात सोहो सूर्यो अजायता स्रोतः दुहाय सुप्राणस्य मुखाद नीरजायत। भरत की जय। हनुमान Thank you.
टूटी फूटी बनेगी। हम आपको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए
कराने के लिए 3 दिन तक प्रयत्न करेंगे। हर हर महादेव। आप लोग बड़े मनोभाव से सुनना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। ये मत मान के सुनना कि हम कोई कथाकार बैठा है, हमारे घर का आदमी है बैठा है, बस हमने बैठा दिया सो बैठा है। बैठाने वाले हनुमान जी, जो हमसे बनेगा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को भी हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। जितना भी परिवार जन हमारा बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं और देश विदेश में लाइव टीवी पर देख रहे हैं, संस्कार पर, और भी छोटे छोटे चैनल, बड़े बड़े चैनल, न्यूज चैनल या जो भी जो चला रहे हैं, जिस माध्यम से हमें घर बैठे सुन रहे हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनयी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जन जानी, पहले तो हमारा कोई विचार नहीं था। आप लोगों को लगेगा महाराज जी मुंह देख ही कह रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो बार बार 2-3 बार हमने इस बैनर को पढ़ा, और हम लोग जब सुबह बैठे हुए थे तो हम आज इन बच्चों को चर्चा कर रहे थे कि हमें कथा तो कहनी है, कौन सी चौपाई पर कहें। कुछ कुछ चौपाइयों पर कथा बहुत जगह हनुमान जी ने कहलवा दी, लेकिन बिना यहाँ का देखे अब तुम कहोगे गुरु जी तुम्हारे पास कोई शक्ति है सिद्धि है सो तुमने पढ़ लिया होगा। सच बताएं हमने किसी भी सिद्धि का प्रयोग भी नहीं किया कि हमने अपने वाई फाई उठाया, इसको भी नहीं उठाया हमने, तो पेन कागज लिया इनके सामने की बात, और हमने उठा करके सुबह कहा कि आज जो है सब सुख लगे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, इस चौपाई पर 3 दिन तक कथा करें। हनुमान जी साक्षी है और विनम्रता पूर्वक हम आपको कह रहे हैं, तो जब यहाँ आए हमने ये चौपाई पढ़ी तो हमें लगा कि हमारे मनोभाव के हनुमान जी इसी चौपाई के लिए संकेत करके चले गए, इसलिए बिना विलम्ब किए इसी चौपाई पर हम लोग 3 दिन तक कथा को सुनेंगे। पहले चौपाई को गा लेते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सब लोग प्रेम पूर्वक गाइए। सब सुख लहे Yeah।
उसमें राम नाम का पताका फहराता है। अगर तुम कहोगे महाराज हम बात करेंगे तो डर लगता है, सनातन की चर्चा करें तो डर लगता है, टीका लगाने पर डर लगता है, अरे भैया तुम डरो मत, तुम रक्षक गुरुजी ने एक नाम भी रखा है मुरादाबाद का, माधव नगर। कमेंट में जरूर बताना कैसा है नाम। मंदिर के बारे में और बताया था, हरि हर मंदिर, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, संबल में एक मंदिर है बीच में जो कुछ कारण से बंद है। तो गाइस आज की वीडियो ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चले ये सांस किस तरह।